नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे आज से पहले आपने इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि मूली बहुत काफ़ी मोटा मोटा वाला मूली है। इससे रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है और स्वादिष्ट भी लगता है खाने में। आप इस टाइप के मूली से भी बना सकते हैं। आपके पास जो मूली है आप बना लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा और इस तरीके से आप एक बार रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, मूली में जो इस तरीके से निकला होता है इसे हमें हटा लेना है, अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है सारी मूलियों को। और इतना रेसिपी ये टेस्टी बनता है कि किलो के किलो मूली कब खत्म हो जाएंगे घर में आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो अभी सीजन है मूली का, बहुत अच्छा अच्छा मूली। ऐसे तो मूली हर जगह में बारहों मास मिलता है, लेकिन अभी वाले जो मूली है इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। और सीजन का सब्जी और ज़बरदस्ती का सब्जी, उसमें तो थोड़ा सा अंतर होता ही होता है, आप समझ सकते हैं। मूली को साफ करने के बाद इसे आगे पीछे में जो डंठल है इसका हटा लेना है। देखिए कोचे इस तरीके से, और ये करीब 1 केजी मूली है। तो आज मैं सारे ही मूली का बनाने वाली हूं और बाद में और भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मूली के पराठे की रेसिपी चाहिए जिसे बिना आटा, बिना बेसन, बिना मैदा, बिना सूजी का आप बना के तैयार कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक आपको दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं मूली के पराठे और मूली के कचौड़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब इतना साइज का हमें कर लेना है पहले मूली को, क्योंकि इसके ऊपर जो छिलका है वो धीरे धीरे करके छिलके को हटाना है। बहुत ज़्यादा तेज दबा के आप नहीं छिलिएगा। मूली का स्वाद छिलका में ही होता है, तो बहुत ज़्यादा तेज वाला, जैसे मोटा वाला छिलका इसका उतार देंगे तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। धीरे धीरे से करके हल्के हाथों से हमें छीलना है। जो ऊपर में धूल मिट्टी चिपका हुआ होता है, काला काला सा हो जाता है, वो सब साफ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मूली की बड़ी बना के साल भर स्टोर करने का मन है, अभी आप बना के स्टोर कर सकते हैं। और जब सब्जी ना हो घर में तो आप इसका सब्जी बना के खा सकते हैं। आपको मूली की बड़ी बनाने आती है तो आप बना सकते हैं। जो कोई हमारे फ्रेंड्स नए हमसे जुड़ रहे हैं, मूली की बड़ी बनाना नहीं जानते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मूली की बड़ी, हरे मटर की बड़ी, सारे ही रेसिपी मैं बना के डाली हुई हूँ। तो देखिए, ऐसे ही पहले सारे मूली को हमें साफ कर लेना है। वीडियो को बारीकी से देखिएगा तभी आपको अच्छा लगेगा। आज का जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए सारे छील लेती हूँ पहले। तो देखिए, सारे मूली को अच्छे से छील के और तैयार कर लिया है मैंने। अभी तक मूली में पानी नहीं गया है, तो मूली को हमें पानी में धोना भी होगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या करती हूँ कि मूली को अच्छे से पहले एक बार पानी से धो के और साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मूली के अंदर कितना भी आप इसका छिलका हटा के बना रहे हैं फिर भी थोड़ा सा तो मिट्टी रह ही जाता होगा। तो इसके लिए सारे मूली को आप धो के और अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हमें तो वीडियो बनाना है, इसके लिए मैं सारे स्टेप आपको दिखाती हूँ। आप कुछ बात से भी समझ जाइएगा और कुछ देख के भी समझ जाइएगा। तो चलिए, अच्छे से मूली को साफ करके और दूसरे बर्तन में हमें पानी में ही परे रहने देना है और इसका कटिंग करना है हमें सारे मूलियों को। कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लेट, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मूली को देखिए कैसे कट करना है, इसे इस तरीके से गोल गोल करके हमें कट करना है। इतना बड़ा बड़ा हमें मूली का टुकड़ा निकालना है, बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया। सारे मूली को पहले इसी तरीके से आप कट करके रख लें। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाना तो इतना आसान है कि आप देख के खुश हो जाएंगे कि चलो, काश पहले पता होता तो
बहुत सारे मूली की रेसिपी बना के और रखती। देखिए सारे मूली को पहले कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारा मूली कटने के बाद कुछ इतना हमारा मूली तैयार हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब मूली के ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। छोटा चम्मच से एक चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए, जिससे कि मूली के सारे टुकड़े पर नमक अच्छे से लग जाए। और साथ में डालना है हमें आधा छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर। अब सारे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक डालने से जो मूली के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निचोड़ के निकल जाएगा। इसके लिए आप इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालिए, बहुत कुछ आपको इसमें ऐड नहीं करने हैं, बाद में इसमें बहुत सारे मसाले पड़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मूली है तैयार हो चुका है। वापस से लेना है एक पतीला और इसमें हमें सारे मूलियों को डाल देना है। आप चाहे तो पतीला भर के भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद बचने वाला नहीं है, इतना ये टेस्टी बनता है। अब इसके ऊपर हमें ढक्कन लगा के मूली को 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। इसी तरीके से जो मूली के अंदर पानी होगा वो पानी सारा नमक के वजह से रिलीज होगा, और पानी जो निकलेगा उसका ही इस्तेमाल हमें करना है इस रेसिपी के अंदर। तो फ्रेंड्स कम से कम 15 से 20 मिनट आप चाहें तो रख सकते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तो इसे ज़रूर रखिएगा। तो चलिए 10 मिनट रेस्ट कराती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दी थी मूली को, जब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो चलिए अब चेक करके देखा जाए। तो फ्रेंड्स देखिए अब मूली में थोड़ा हल्का सा पानी छूट चुका है, आपको दिखाती हूँ नजदीक से। देखिए मूली के अंदर हल्का सा पानी छूटा है, आप देख पा रहे हैं। तो सारे को अच्छे से एक बार मिक्स कर ले इसी पानी के अंदर, हमें इसमें अलग से पानी वगैरह नहीं डालना है। तो चलिए अभी इसे गैस पे चढ़ाना है हमें। गैस पे चढ़ाने के बाद इसमें लगा दीजिए ढक्कन और बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, और आंच को मीडियम रखिए, बहुत ज़्यादा तेज रखिएगा आंच, तो मूली से पानी भी अच्छे से नहीं छूटेगा और मूली हो सकता है कि जल जाए। और यदि आप मूली को रेस्ट पे छोड़ रहे हैं, देखिएगा मूली यदि बासी होगा पुराना होगा तो पानी ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, तो आप इसमें आधा कप पानी डाल के फिर चूल्हे पर चढ़ाइएगा। तो सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आप रेसिपी को अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा सा उबाल यानी कि पूरा अच्छे से भाप 5 मिनट तक हमें, मान के चलिए 5 मिनट तक हमें मूली को मूली के पानी में ही पकाना है। तो चलिए 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है मूली को उबालते हुए, घड़ी का टाइम देख के आप 5 मिनट ही उबालेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। और मूली को उबालते हुए अलग से पानी नहीं डालना पड़ा था, यदि आपका मूली ताज़ा होगा तो उससे ही बहुत अच्छा से पानी निकलेगा और वो अपने पानी में ही पक जाएगा। और इसमें क्रंच रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मूली को एकदम पका के गला दे, नहीं वो गलाना भी नहीं है। तो आप घड़ी का टाइम से 5 मिनट उबाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका सही कितना उबालना है उतना टाइम। अभी मूली के अंदर थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो चलिए उसे निकाल लेती हूँ छान के। गैस बंद करके सबसे पहले मूली को नीचे उतारना है, तो ऐसा छन्नी वाला कोई भी आप जाली ले लें और इसमें ही डाल दें मूली को। देखिए हल्का फल्का सा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। और अच्छे से इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी हो रहा है मूली का उसे अच्छे से छनने दीजिएगा, जितना अच्छा से ये सूख जाएगा उतना ही अच्छा आप इसका रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। और मूली को हल्का सा ठंडा भी हमें करना है, आप चाहें तो पंखे की हवा में डाल दें जिससे थोड़ा सा ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तब तक मूली भी हमारा ठंडा हो जाएगा। अब ये ठंडा भी हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सा गर्म भी है, उतना भी ठंडा नहीं करना है। और देखिए मूली से इतना सा पानी निचोड़ के निकला है,
इसे आप फेंक दें, इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से पानी डाल के नहीं उबाला है मैंने, तो जो मूली में पौष्टिकता है वो उसके अंदर ही है। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि मूली का पानी निकाल के सारा फेंक दिया, क्योंकि मैं तो ना ही मूली को निचोड़ी हूँ ना ही कुछ की हूँ। तो ये मूली का जो नमक के पानी के साथ हम लोग उबालते हैं ना, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है पकते हुए। तो चलिए इसे निकाल के फेंक देती हूँ। अब सारे मूलियों को हमें वापस से कट करना है। कट करने के लिए आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें, और ये हाथ में भी रख के आप काट सकते हैं, क्योंकि मूली पकने के बाद सॉफ्ट हो चुका है और उतना भी सॉफ्ट नहीं है। मैं आपको कट करके दिखाऊंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। एक एक टुकड़ा लेना है इस तरीके से, और देखिए समझ पा रहे हैं काटने से ही, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखिएगा आप, इस तरीके से भी कट कर सकते हैं मूली को। तो देखिए मूली काटने के बाद आप देख पा रहे हैं एक कड़ा भी है और अच्छा से थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है। तो ऐसे ही चाहिए होगा हमें मूली, यदि कच्चा रहता तो काटने से बहुत ज्यादा आवाज करता। इसी तरीके से हमें सारे मूलियों का टुकड़ा कर लेना है पहले। इस तरीके से आज से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नया तरीका लेके आई हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा रेसिपी लेके आने का। आपको बथुआ साग स्टोर करके रखना है फ्रेंड्स साल भर के लिए, जैसे कि बथुआ साग का सीजन तो कुछ ही दिन का होता है, साल भर तो वो मिलता नहीं है, आपको स्टोर करके रखना है। और जब चाहें उसका सब्जी बना के खाना है। आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी। बथुआ साग आप स्टोर करके रख सकते हैं, मटर के साग स्टोर करके रख सकते हैं, मेथी स्टोर करके रख सकते हैं। मेथी स्टोर करने का मतलब ये नहीं है कि कसूरी मेथी, नहीं, सब्जी के लिए मेथी कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। आपको चाहिए मेथी पत्ते की रेसिपी तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इसी तरीके से हमें सारे मूलियों को पहले टुकड़े में कट कर लेना है। तो चलिए काट के फिर इकट्ठे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारे मूली को तैयार कर ली हूँ कट करके, और बहुत सारा हमारा मूली जो है तैयार हुआ है। अब चलिए बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। अब यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, और इसमें डालना है 5 से 6 चम्मच के जितना सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए और बहुत कम भी नहीं डालिए। तो यहाँ पर देखिए 5 चम्मच के करीब ये तेल है। तेल को हल्का सा गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच मेथी का दाना। कम गरम तेल में डालने से ये धीरे धीरे से पकेगा और इसका स्वाद जो है तेल के अंदर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा मेथी दाना को पकने दीजिए अच्छे से चटक के। देखिए मेथी दाना यहाँ पर चटकना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे से वो पकेगा। कच्चा नहीं रखिएगा, नहीं तो कड़वा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। साथ में हमें डालना है 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची, और अभी कर देना है गैस को बंद। गैस बंद करने के बाद इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन, साइड में डालिए, और बाकी का बारी बारी से इसमें मसाला डालना है। तो यहाँ पर डालना है 1/2 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। गैस बंद करने के बाद मसाले को ऐड करना है। इसमें डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इसमें डालना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, हल्का सा डालिए, क्योंकि लाल मिर्ची भी डाला हुआ है तो वो तीखा हो जाता है इसके वजह से। और इसमें डालना है हमें अमचूर पाउडर 1 चम्मच। आप अमचूर पाउडर के जगह पे विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डालना है हमें 1 चम्मच पीली वाली सरसों का पाउडर, सरसों को आप मिक्सर जार में डाल के कूट के डाल सकते हैं, 2 चम्मच सरसों का पाउडर। देखिए अभी गैस बंद है, लेकिन तेल जो गर्म है उसमें ही हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें डाल दीजिए सारे मूली को।
और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद इसमें डालना है नमक। 5 मिनट तक दूसरे बर्तन में डाल के 10 मिनट तक अच्छे से ठंडा करके फिर नमक इसमें पड़ेगा, नहीं तो नमक डालते फिर से वापस से इसमें पानी आ जाएगा। अब इसमें डालना है नमक। नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि अभी ये गलेगा, नमक के साथ गलेगा। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स बनके तैयार है मूली के इंस्टेंट अचार, जिसे आप तुरंत बना के तुरंत खा सकते हैं। और एकदम अलग तरीके से मैंने बना के आपको दिखाया है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नई रेसिपी है, लेकिन ये एकदम अलग तरीके से बनाया गया है। कुछ ही समय में बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे आप 10 से 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। यदि फ्रिज में रख के खाते हैं तो महीनों स्टोर करके खा सकते हैं, फ्रिज में खराब नहीं होगा। बिना धूप दिखाए हुए अचार बना के दिखाई हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।